तो आप देखें कि आज पुरोहितों की मादरी के अंदर शिविर लगा है और सभी लाभ लेने के लिए पहुंचे हैं। सौरभ जी सभी को समझा रहे हैं। अधिक से दोनों के नाम आएगा, किसी कंपनी में काम करता है, ये कंपनी का नहीं, कंपनी वाला नहीं, तो सरकारी नौकरी नहीं, बाकी सब तो बन जाएगा। जिसका पी एफ ऐसा ही करता है उसका नहीं बनेगा। क्या उसकी पत्नी को? उसकी बन जाएगा, उसको बोलो काम करो, तो उसका बन जाएगा। तो आप देखें कि आज ये शिविर जो है लगाया गया है, 21वां शिविर है आज। और अरे 22वां है ना, आपको बोल दिया था।
काम करने वाले, ऑटो चलाने वाले, कारखाना काम करने वाले, दुकानों पे काम करने वाले, नौकरी करने वाले, जिनको पीएफ नहीं करता है वो सारे चले आए। अपना भाई, अपने परिवार, अपने पिताजी, अपना साला जी, अपना जितना भी रिश्तेदार है सबको बुलाना। आदमी का तो 30 रुपये कार्ड बनेगा। महिलाएं बेटी बेटी जो किराएदार रहती है, जब कहने आपको तो रखाई करो, मारा धनी कमावे ही नहीं बना, सब को काम करो, 100 दिन काम करो, 25,000 रुपये मिलेगा, बच्चे बच्चे छात्रों को मिल जाएगा, घर नहीं तो घर मिलेगा बाद में, है ना। बहुत सारी स्कीम है सरकारी, सब कल्याणकारी योजना जुड़ जाएगा। एक काम करवाओ हमला जुड़ जाएगा। हाँ तो गवर्नमेंट पड़ी नहीं करे, खाली करा रहा, खाली कर जा तो खाली करे, इन्हें रुपया तो नहीं देवे ना, भाई लोग एक पैसा आवे तो दही दे लड़वा लो। ध्यान दो मिनट रेसी करे जो મારે કુદરે ની પડી ને પર્યટન ગાય કાકા બને નીના 10-12 જણા આપણે मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है, मोबाइल नंबर अपडेट नहीं, कुछ नहीं हो सकता। आज अपडेट करना तो कल वहाँ जाना, बट मत नहीं लगेगा। देखो शिविर का लाभ लेना है, आप लोग जागरूक हो। अरे दोनों बेटा सुनो, आप जाओ ना थोड़ा सा अपने परिवार वालों को बोलो ये बना दे, है ना। खास करके उन लोगों को जरूर कहना जो किराए रहते हैं, किराएदार को जरूर कहना कि तुम पढ़वा लो और 100 दिन यहाँ काम करो, यहाँ काम करने से उनको घर में जो सब मिलेंगे, सरकार की जितनी भी योजना सबसे जुड़ जाएंगे। समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहो, समय समय पर लोगों को जगाते रहो। बहुत जरूरी है आपको साहब से बात हुई है।